Hello friends and welcome to my channel. Today in this video we are going to discuss how to find or how to determine that a given number is a prime number or not. The prime numbers ki jo khas baat hai pehle hum usko discuss kar lete hain. When you talk about a prime number, to prime number ka matlab ye hota hai ki a number which is divisible by one or itself. A number which is divisible by one or itself. यानी एक ऐसा नंबर जो सिर्फ वन से और खुद से डिवाइड होता है उन नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर. एग्जांपल ले लेते हैं 2, 3, 19, 23 etc. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द नंबर्स. ये वो नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आते, ये सिर्फ वन से और खुद से ही डिवाइड होंगे. तो दीज काइंड ऑफ नंबर्स वी कॉल्ड एज प्राइम नंबर. तो अगर हमें दिया गया कोई क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल लेट अस डिस्कस दिस थिंग. जो पहला एग्जांपल हमारे पास ये है 67. अब बोला जाए कि 67 अपने पास प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय ऑल द प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 67. जो तरीका है जो हमने कॉमन अप्रोच आज से सीखी हुई यही सीखी है कि किसी भी नंबर को अगर हम फाइंड करना है, ये डिटरमाइन करना है कि ये अपना प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब से इसको डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि उनसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बट दैट इज नॉट एक्चुअली फीजिबल. ये नंबर तो छोटा है तो इसको डिवाइड करने के बहुत आसान है. पता है कि 67 किसी टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है कि 67 इज अ प्राइम नंबर. दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि आप देख रहे हैं. लेकिन अगर हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन, वी हैव लाइक 203. अगर 203 है तो आप 203 को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं. अगर आप अपना ट्रेडिशनल मेथड दैट इज डिवीजन के हेल्प से सॉल्व करेंगे तो इट इज गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. तो इसमें जो तरीका होता है वो ये होता है कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो स्टेप्स है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फर्स्ट, कि स्टेप्स आर वेरी वेरी इजी. तो जो पहला स्टेप देखेंगे वो ये है कि फाइंड एक्स विच इज इक्वल टू रूट टू ऑफ 203. यानी जो भी नंबर हमारे पास दिया है उसका हम रूट निकालेंगे. तो इसका जो रूट होगा मीन्स स्क्वायर रूट, उसको निकालेंगे और उसमें एक्स वैल्यू पुट करेंगे. स्टेप टू जो हमारे पास है वो ये है कि टेक वाई एज नेक्स्ट हायर इंटीजर टू एक्स. देखिए इसको समझिए, इसका मतलब क्या है. ये कह रहा है कि हम एक बार x निकालेंगे. x कितना हमारे पास 203, तो 203 का स्क्वायर रूट करके हम x निकाल लेंगे. उसके बाद हमको लेना है y. y क्या होगा, x के नेक्स्ट हायर. नेक्स्ट हायर कैसा, ये होगा जस्ट, यानी कि जो जस्ट x के बाद आ रहा है प्राइम नंबर, उस मतलब इंटीजर. इंटीजर एक खास बात क्या होती है कि इंटीजर्स दे डू नॉट हैव डेसिमल पार्ट. दे डू नॉट हैव डेसिमल पार्ट. अगर आपको बेसिक नंबर सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, बेसिक नंबर थ्योरी की सिस्टम की थ्योरी नहीं पढ़ी आपने, तो यू शुड गो थ्रू इट और यू कैन रेफर टू द वीडियोस आल्सो. बट यू शुड नो दिस पार्ट क्योंकि ये चीजें आपकी एग्जाम में आती ही घूम फिर के. तो इंटीजर मतलब क्या होता है कि विच डू नॉट हैव डेसिमल पार्ट. तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया और एक्स सॉल्व करने पे, ये एग्जांपल नहीं मतलब इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, कि मान लेते हैं एक्स सॉल्व करने पे किसी नंबर को 29.28, तो हम वाई किसको लेंगे, जस्ट अगला नंबर यानी कि 30. ये होता है इसी तरह अगर हमारे पास अगला एग्जांपल लेते हैं 19.27, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20. तो हमें जस्ट अगला नंबर लेना है जो भी हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है. आफ्टर फाइंडिंग दिस जो फाइनल स्टेप वो ये है कि डिवाइड द गिवन नंबर. अपने पास गिवन नंबर क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 203 है, by all the prime numbers less than y. यानी जो हमने y निकाला है तो y से छोटे जितने प्राइम नंबर है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे. इफ डिविजिबल, अगर ये नंबर डिवाइड हो गया इसका मतलब क्या है, नॉट अ प्राइम नंबर. ये देखिए क्लियर कट बात है कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा किसी भी नंबर से तो प्राइम नंबर नहीं अपना. एंड इफ इट इज नॉट डिविजिबल देन यस अ प्राइम नंबर, तभी अपना प्राइम नंबर होगा. तो आई होप आपको स्टेप्स क्लियर हो गए हो. तो स्टेप वन ये है कि हमें इसका क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है एक्स के बराबर इक्वेट करके. वाई क्या करना होता है, वाई हमें जस्ट अगला नंबर लेना था जो कि इंटीजर होना चाहिए. इंटीजर लेने के बाद फिर इससे छोटे जितने भी हमारे पास यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं
फॉर एग्जाम्पल वाई यहाँ पे 30 है, तो 30 से छोटे जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर है और सारे प्राइम नंबर से हम अपने ओरिजिनल नंबर की 203 को डिवाइड करेंगे। तो इफ इट इज डिविजिबल, अगर वो डिवाइड हो गया मतलब प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिवाइड नहीं होता मतलब वो प्राइम नंबर है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं By seeing and by applying this step. फिर हम इस पूरे स्टेप को और छोटा करेंगे, क्योंकि अगर हम इतना टाइम लगाएंगे क्वेश्चन सोल्व करने में तो इट्स गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम और वो कोई मतलब नहीं होता। तो अगर ट्रिक आप अप्लाई कर रहे हो, ट्रिक का मतलब ये क्वेश्चन देखिए और तुरंत सोल्व होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न दिस होल मेथड, देन वी आर गोइंग टू मिनिमाइज इट एंड लर्न द शॉर्टर वर्जन। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास अब 203, सबसे पहला काम क्या है, x निकालना है, x होना चाहिए अंडर रूट ऑफ 203। तो इसको निकालने के लिए देखिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आनी चाहिए। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता तो ये प्रॉब्लम करेगा। देखिए एग्जाम में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड कई बार अप्लाई करना पड़ जाता है, तो यू शुड बी फेमिलियर। जिनको नहीं आता एक क्विक व्यू लिख लेते हैं कि जो भी नंबर दिया है उसके यहाँ डेसिमल लगाइए, डेसिमल के बाद दो दो ग्रुप बनाइए और डेसिमल के पहले भी दो दो ग्रुप बनाइए। फिर जो यहाँ पे पहला नंबर है इसके लिए देखिए से छोटा या फिर इसके बराबर का परफेक्ट स्क्वायर कोई है, यहाँ पे तो कोई है नहीं, इसलिए 1 × 1 1। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 1। तो हमने यहाँ जो नंबर लिखा वही नंबर यहाँ पे भी आता है, इनको मल्टीप्लाई करिए 1, तो सबट्रैक्ट करने पाया 1। अब जो पेयर बनाया हमने तो पेयर एज सच पूरा पूरा नीचे आता है, तो वी हैव गॉट 03 कमिंग डाउन। जो नंबर हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है वही नंबर यहाँ पे एड हो जाएगा, आई बन गया 2। वंस अगेन जिस नंबर को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है नया नंबर, उसी नंबर को लिख के हम ऐड करेंगे तो नंबर बन गया अपना 2। नेक्स्ट अब हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको छुपा लेते हैं 3 को, और 2 और 10 में देखिए रिलेशन क्या है 5 टाइम्स। अगर मैं यहाँ 5 प्लेस करूंगा यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा, तो 5 × 25 = 125 विच इज मोर देन, तो पॉसिबल नहीं है। तो 5 से छोटा नंबर ट्राई करते हैं दैट इज 4, तो 4 × 6 = 9, तो यहाँ पे 96 आया। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे कितना है सॉल्व करने में 0, अब सॉरी 7, यहाँ पे हम 00 नीचे उतार लेंगे, डेसिमल स्टार्ट होते हैं यहाँ डेसिमल लिख दीजिए, और अब यहाँ पे जो हमने नंबर इंट्रोड्यूस किया, नंबर क्या था इंट्रोड्यूस किया था हमने 4, तो 4 लिख दीजिए, दिस इज नाउ 28। फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे कि 0 को हाइट कर लेंगे, 0 को हाइट करने के बाद 28 और 17 का रिलेशन बन रहा है 2 टाइम्स, यहाँ 2 लिख दीजिए और 2 लिखने के बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, दैट इज 4 6 5, एंड लाइक दिस यू कैन गो ऑन सॉल्विंग एंड ऑन। मगर इतना करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे ही आपके पास डेसिमल पॉइंट आ जाता है आप वही रुक जाइए। आपको पता है कि अगर अपने पास x इतना आ रहा है 14.2, तो y क्या होगा, y लेस हो जाएगा 15। नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेकिन ये जो पूरा स्टेप है दिस इज व्हाट, दिस इज आवर टाइम वेस्टेज, ये हमारा टाइम खा रहा है। और अगर एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाएंगे तो बेसिकली आपके पास लास्ट में जो एक्चुअल क्वेश्चन जिनको टाइम चाहिए वो हर टाइम दे भी नहीं पाएंगे, और प्लस चांसेस ऐसे पेपर छूट जाए। तो इस पूरे स्टेप को हमें नहीं करना है, हमें इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है बहुत ही आसान तरीके से। एक्स हमें बोला गया है 203 का अंडर रूट निकालना है। अब हम बात करते हैं 203 की, अगर मैं बात करूं 14 का स्क्वायर, देखिए आपको परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ये स्क्वायर्स आपको एकदम परफेक्टली याद होने चाहिए। किसी भी एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे वो कैरमिस कैंपस प्लेसमेंट हो, दिस थिंग शुड बी मेमोराइज्ड। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 196, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 225। तो अगर हमारा 203 इन दोनों के बीच में आ रहा है, सी सिर्फ हमने कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व किया कि 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये नंबर 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। यानी कि अगर हम बात करें इसकी कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 14 point something। इस पूरे को हमें लिखने की अब जरूरत नहीं है, जैसे ही हमने ये पार्ट ऑब्जर्व किया, जैसे हमने देखा कि 14 के स्क्वायर से बड़ा है और 15 के स्क्वायर से छोटा, मतलब 14 पॉइंट कुछ आएगा, तो सीधे आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 15 डायरेक्टली। तो ये कौन सा स्टेप है, आपका पहला स्टेप ही पूरा गया होगा, आप सीधे स्टेप 2 पे जंप कर गए, यानी कि आपने इतना सारा टाइम जो वेस्ट किया था कैलकुलेशन में वो पूरा टाइम आपका बच गया, एंड आपने तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बाय सिंपली पुटिंग द वैल्यू हियर। वंस अगेन लेट मी गो थ्रू दिस पॉइंट, ये हमारे पास 203 था, 203 को मैंने ऑब्जर्व किया कि ये 14 के स्क्वायर से ज्यादा है, 15 के स्क्वायर से कम है, यानी कि 14 पॉइंट कुछ आएगा इसका स्क्वायर रूट निकालने पे, दैट मींस वाई क्या होगा ज्यादा, जस्ट अगला इंटीजर होता है तो सीधे इंटीजर लिखिए ना, वाई टू वेस्ट टाइम बाय सॉल्विंग द होल थिंग एंड एडिंग दिस थिंग। तो वाई कितना आया हमारे पास 15, जब वाई 15 आया तो वाई से जो छोटे अपने पास प्राइम नंबर है वो कौन कौन से हैं, 2 3, देन वी हैव गॉट 5, वी हैव गॉट 7 11 13। तो अब हम क्या करेंगे 203 को इन सब से डिवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू डिवाइड 203
बाय ऑल दीज नंबर्स। तो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है, आपको डिविजिबिलिटी ट्रिक्स आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो प्लीज रिफर टू माई वीडियो और यू कैन ऑल्सो गो थ्रू एनी बुक विच एवर यू हैव। टू के लिए क्या होता है, लास्ट में इवन, तो ये इवन नहीं है यानी कि ये डिवाइड नहीं हो रहा टू से। थ्री के लिए क्या होता है कि जितनी भी डिजिट्स हैं उनके सम्स होना चाहिए, तो टू प्लस थ्री फाइव है तो ये वो भी नहीं डिवाइड हो रहा। फाइव के लिए लास्ट डिजिट या तो फाइव होनी चाहिए या तो जीरो, तो ये फाइव से भी नहीं हो रहा। सेवन के लिए रूल ये होता है कि आखिरी डिजिट को अलग करिए, डबल करके सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ रहा है 14 एंड 20 माइनस 6 इज 14, ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, दैट मींस नॉट अ प्राइम नंबर। तो दिस नंबर इज नॉट अवर प्राइम नंबर। तो वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन, ये हमारे पास y आ गया था, y से जितने छोटे नंबर से प्राइम नंबर उन सब से हमने क्या किया, 203 को डिवाइड किया। तो जब हमने 203 को डिवाइड किया इन सब नंबरों से, तो 2 के लिए इवन होना चाहिए लास्ट नंबर जो कि नहीं था, 3 के लिए इनका सम 5 में 3 से डिवाइड होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा था, 5 के लिए आखिरी में या तो 5 या 0 होना चाहिए वो भी नहीं है। 7 का रूल ये कहता है कि आखिरी डिजिट को अलग करके डबल करके इसमें सबट्रैक्ट करिए एंड देन इट शुड डिवाइड, तो ये परफेक्टली रहा। 20 माइनस 2 टाइम्स 3 इज 6, तो 20 माइनस 6 इज 14, 14 से डिवाइड हो रहा है यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल एंड विल क्विकली सॉल्व दिस एग्जांपल नाउ। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है 541। तो 541 को अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हम देखिए ये 23 के स्क्वायर से ज्यादा है, 541 जो है ये 23 के स्क्वायर से ज्यादा है एंड इट इज लेस देन 24 स्क्वायर। दिस इज सिंपली बिकॉज यू आर हैविंग द प्रायर नॉलेज ऑफ दिस थिंग। अगर आपको ये याद नहीं है तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम, सो यू हैव टू मेमोराइज कि अपने पास ये जो नंबर होते हैं। तो अगर ये 24 के स्क्वायर से छोटा है और 23 स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, इसका मतलब y कितना होगा, y होगा हमारे पास 24, और y से छोटे हमारे पास कितने प्राइम नंबर होंगे, लिख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। देखिए आपको देखने में बड़े लग रहा होगा कि लिस्ट इतनी लंबी है, लेकिन इस नंबर को अगर आप इन मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे तो जो लिस्ट एक्चुअली बनेगी वो इससे भी बहुत ज्यादा लंबी होगी। 2 के लिए इवन नहीं है, 3 के लिए इनका सम नहीं डिवाइड हो रहा, 5 के लिए लास्ट में 50 नहीं है, 7 के लिए आखिरी नंबर को डबल करके सेपरेट करिए कितना आएगा, 54 माइनस 2 यानी 52, वो डिवाइड होता नहीं 7 से। 11 के लिए ऑड इवन प्लेस, तो 6 माइनस 2 4 2, ये भी नहीं हो रहा। 13 के लिए अगेन इसको 4 टाइम्स करके इसमें ऐड करिए 58, नहीं हो रहा। 17 के लिए एक्चुअल टेबल से नहीं होगा, 19 और 23 के लिए भी नहीं हो रहा ये। तो यू कैन सिंपली चेक, अगर इनमें से किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, दिस इज 17, तो इसका मतलब क्या है, अ प्राइम नंबर। सो दिस वन इज अवर प्राइम नंबर। डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने सिखाई अपनी वीडियो में वो सिखाया है टिल 13, और 13 तक की डिविजिबिलिटी रूल अगर आती है तो आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी कितनी इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं, आपने खुद ही अभी ऑब्जर्व किया होगा। उसके बाद के नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी ट्रिक नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि आप नॉर्मल डिविजन से भी इसको कर सकते हैं जो कि बराबर उतना ही टाइम लेगा, एंड इनफैक्ट द नॉर्मल डिविजन इज मच मच फास्टर एंड बेटर। तो आई होप आपको कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया हो, अगर पूछा गया कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो वी विल कंटिन्यू विद मोर ऑफ द ट्रिक्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।